कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर सरकार ने SOPs में तब्दीली की है और जिस तरह से बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ रही थी उसको कम करने के लिए अल्टरनेट डेज पे दुकानें खोलने के जो हैं ऑर्डर्स दिए गए। आज से असर दिख भी रहा है, लेकिन फिलहाल मैं पुरानी मंडी में हूँ। यहाँ पर हम तमाम भीड़ देख के ये समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को लेकर किस तरह से आम जनता जो है वो उनके क्या दायित्व है। ये राशि आप देख सकते हैं, ये भीड़ देख सकते हैं, तमाम बाज़ार जो है खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर जो दुकानें बंद हैं उनके शॉपकीपर दुकानों के बाहर खड़े हैं। हालांकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने 50% फेयर बढ़ाने की बात की थी, उसका भी कहीं ना कहीं असर ये है कि जो आम बाज़ारों में जो रश देखा जाता है ओल्ड सिटी में वो नहीं देखने को आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, काफ़ी लोग जो हैं दुकानों पर हैं, बाज़ारों में हैं सामान लेने के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कहीं नहीं दिख रही है, उसको फॉलो कराते हुआ करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पुलिस महकमे की बात करें, पुलिस लगातार मेन बाज़ारों में गाड़ियों के साथ मूव कर रही है, वो अवेयर भी कर रही है और लोगों को समझा भी रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि आखिरकार क्या वाकई में जो SOPs का पालन सही तरीके से हो रहा है। क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पर दुकानें बंद करने की बात है तो वो दुकानें बंद आज हुई हैं, लेकिन मार्केट्स में एक बार अगर आप पीछे देखिए, यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको ऊपर से अगर विजुअल दिखाए, ये भीड़ जो है क्या इससे कोविड नहीं फैलेगा। और सबसे बड़ी बात कि दुकानदार बाज़ार एसोसिएशन किस ओर जा रही हैं, वो ध्यान नहीं दे रही हैं। इतनी भीड़ और दुकानें बंद करने का क्या फ़ायदा? सर दुकानें हमारी आप चप्पलों की दुकानें हैं, पटेल विहार आपकी मैं बात मान रहा हूँ, ऑल्टरनेट डेज पे आप लोगों ने बंद किए हैं, लेकिन ये भीड़ है, ये भीड़ किस तरह? आप चैम्बर वाले दफ्तर जा रहे हैं इसलिए इकट्ठे हुए थे सारे। क्या करने के लिए? मतलब कि यही हमारी डिमांड है कि चप्पल की दुकानें और रेडीमेड की दुकानें हमारे साथ साथ छोड़ दी, एक साथ हो। लेकिन कुछ असर दिख रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भीड़ कम होगी इस ऑर्डर से, भीड़ कम आपको दिख रही है? भीड़ तो अब जो इकट्ठे इसलिए, लेकिन आपके दुकानदार जो हैं आपके फैलो जो लोग हैं ये साथ में, इसका भी नॉर्म नहीं कर रहे हैं सर? आप तो इकट्ठे इसलिए हैं, मीडिया वालों को हमने बताया कि हम चैम्बर वालों के दफ्तर जा रहे हैं इसलिए इकट्ठे हुए थे। बाकी तो हमारी डिमांड यही है कि हमारी चप्पलों की दुकानें और रेडीमेड और जो ब्यूटी शॉप, इससे वायलेशन तो हो रहा है ना SOP का? भीड़ तो बच रही है ना, भीड़ रश तो हो रहा है। सर भीड़ तो हो रही, अब तो मार्केट में हम सब इकट्ठे हुए हैं तो भीड़ तो हो रही है। अलग अलग तर्क हैं सबके, और ये तमाम भीड़ जो है ये पुरानी मंडी जम्मू शहर ओल्ड शहर बड़ा व्यस्त बाज़ार है, और आज कुछ अल्टरनेट डेज पे आपको मार्केट दुकानें बंद भी दिखेंगी, जिनका आज बंद करने का बोला गया है वो कल खुलेंगी, और जो कल खुलनी है वो परसों खुलनी है। लेकिन फिलहाल कुछ इस तरह की स्थिति देखने को नहीं आ रही है पुराने शहर की बात करें, जहाँ पर भीड़ पर कंट्रोल हो और भीड़ जो है कम दिखे। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे ही विजुअल लगातार दिख रहे हैं जो कि यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने चाहिए कि अगर आपने ऑल्टरनेट डेज दुकानें खोलने की बात की है, बाज़ारों से रश कम करने की बात की है, और बाज़ारों पे ही ये डिसीजन छोड़ा है कि आप इस चीज़ पर फोकस करें कि भीड़ कम हो, ज़्यादा जो रश है वो ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म लोग फॉलो करें, मास्क सही तरीके से पहने, तो पुराने शहर से फिलहाल इस चीज़ की वायलेशन, इस पूरे ऑर्डर की वायलेशन साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कुछ मार्केट एसोसिएशन के लोगों से ही बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं। फिलहाल हम अभी पुरानी मंडी में हैं, और पुरानी मंडी मार्केट के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? विमल गुप्ता। विमल जी मुझे ये बताइए कि जो अल्टरनेट डेज पे दुकान खोलने की बात आई है और साफ तौर पे बता दिया गया है कौन से दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, क्या कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको आज से ये लागू हुआ है तो बाज़ारों में थोड़ी भीड़ कम हुई है? मेरे अंदाजे से ये इसका तो हम बिल्कुल कंडेम्ड करते हैं, जो ये LG साहब ने जो ऑर्डर निकाला या DC साहब ने निकाला, हम इसके हक में नहीं हैं। अगर करना ही था कुछ तो इसको सैटरडे संडे को ऑफ कर देते, लॉकडाउन कर देते, वीकली लॉकडाउन कर देते, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। आज इतनी हालत अनरेस्ट है मार्केट के अंदर, किसी को समझ नहीं आ रही। अगर किसी का काम दो तीन काम इकट्ठे हैं वो तो कंफ्यूज है कि कौन से काम का मुझे बंद करना है, कौन से काम का मुझे खोलना है, वो एक ही दुकान है। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात क्यों? अगर ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा गया है इस दिन ये वाली दुकानें खोलनी है, इस दिन तो साफ तौर पे वो देखिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे इस बाज़ार में एक दुकानदार है, दो चार पाँच दस दुकानदार है जिनको घड़ियाँ भी रखी हुई हैं और पर्स भी रखे हुए हैं। पर्स के ऊपर छूट नहीं है, घड़ियों पर छूट है। वो क्या करेगा, आज पर्स लगाएगा कल घड़ियाँ लगाएगा?
इसका मतलब उसको दो दिन की इजाजत देंगे? ये काफी व्यस्त मार्केट में आती है पुरानी मंडी, काफी भीड़ भाड़ भी रहती है, तो लगता है कि लोग थोड़ा कम हुए हैं कल से अगर हम बात करें तो। देखिए आज तो वैसे मेटाडोर वगैरह बंद है जिस कारण थोड़ा सा फर्क लग रहा है, अदरवाइज यहाँ पे कम होने वाला सवाल नहीं। उल्टा आज ये जो उन्होंने गवर्नर एलजी साहब ने ऑर्डर निकाला है, इससे काम खराब होने के चांसेस हैं, क्योंकि कस्टमर जो आएगा वो दो बार नहीं आएगा, वो आएगा तो एक ही दुकान में चार छः छः इकट्ठे घुसेंगे, क्योंकि उनको दुकानें बंद है काफ़ी, जिस कारण हमारे पे बोझ डाल दिया अपनी सेफ्टी के लिए। काम को तो छोड़ो जो होगा या नहीं होगा, मगर हम इसे टोटली कंडेम्ड करते हैं, और हमें ये ऑर्डर हम तो फिर कहेंगे अगर आपको रात का 9 बजे का टाइम था या 8 बजे का कर लेते, 7 कर लेते, 6 कर लेते, 5 कर लेते, 10 से 5 कर लो, कोई इशू नहीं है। जिसको पता है हम लोग किसी को शॉपिंग करनी है वो 5 बजे से पहले आके शॉपिंग करके चला जाएगा, मगर ये कौन सा कन्फ्यूजन में रख दिया कि आधा बंद, आधा कनक मंडी खुली, वेयर हाउस खुला है, किराने वाली बंद है। अगर पूर्णतः लॉकडाउन की बात करें, अगर लॉकडाउन किस तरफ सरकार जाना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाती है, तो लॉकडाउन से बचने के लिए ही इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो साफ तौर पर आपको क्या लगता है, अगर आप वीकली लॉकडाउन की बात करें तो उससे भी तो बिजनेस सफर होगा ना? देखिए वीकली अगर हम हफ्ते में तो 2-3 दिन ही काम कर रहे हैं ना, वैसे अगर सैटरडे संडे को लॉकडाउन होता है तो हम 5 दिन काम कर सकते थे, 5 दिन तो हम काम कर सकते हैं। रही बात आपने कि गवर्नमेंट जाना नहीं चाहती लॉकडाउन के अंदर, मगर ये आज जो नलायकी हैं ये गवर्नमेंट की नलायकी से हैं। क्या रैलियों के अंदर, इनके 5-5 लाख की रैलियों के अंदर कोरोना का डर नहीं है? क्या वहाँ पे नहीं हो सकता? क्या ये एक दुकानदार के अंदर 2 कस्टमर आएंगे तो वहीं पे कोरोना आ जाएगा? मैं मानता हूँ कि हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, नाक के ऊपर मास्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें अपनी भी सेफ्टी करनी है, मगर आज जो हालात हैं इसके पीछे देखो अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है तो ये वेस्ट बंगाल की रैलियाँ देखो, कहीं की देखो, उनको देखते हुए लोगों ने जो इतना हा हल्ला किया कि मास्क पहनना छोड़ दिया, ये कर दिया, उनको देखते हुए। शुक्रिया। साफ तौर पे मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से सरकार का निर्णय है मार्केट्स को लेकर, दूसरी बात आज रामनवमी भी है, छुट्टी भी है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पूरी तरह बंद है, उस वजह से ही बाज़ारों में इतनी भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन बहुत सारे दुकानदारों को यही कहना है कि अगर आप वीकली लॉकडाउन की तरफ चले जाते या फिर अगर आप दिन के समय को जो वर्किंग आवर्स हैं उसे कम कर देते, मार्केट्स खुली रखते, तो उससे जो कहीं ना कहीं बिजनेस सफ़र नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने सैलरीज देनी है तो अब हमारे कर्मचारी आधे महीने आएंगे, आधा महीने नहीं आएंगे, तो आगे ही बिजनेस सफ़र कर रहा है, ऊपर से तनख्वाहें भी पूरी देनी है, तो सरकार आखिरकार किस ओर जा रही है? लेकिन फिलहाल जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत ऑल्टरनेट डेज पर मार्केट तो खुल रही हैं, लेकिन बाज़ारों में असर जो हो रहा है ये आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि क्या इस तरह के जो निर्णय से कोविड के केसेस में कमी आएगी। वृजनी शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम जम्मू।